तो आज हम लोग देखेंगे ओवरलैप। बेसिकली ओवरलैप देखने से पहले कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि सपोज करिए मैंने आपको बताया था कि ये एक खम्मा है, ये दूसरा खम्मा है, तीसरा खम्मा है, तो यहाँ पे एक कैटनरी वायर लगी होती है और ये कॉन्टैक्ट वायर ड्रॉपिंग अरेंजमेंट के साथ। सपोज यहाँ पे दोनों टर्मिनेट हो रहा था, यहाँ काउंटर वेट लगा होता है, सेम यहाँ पर टर्मिनेट होता तो यहाँ पे काउंटर वेट लगा होता है। तो बेसिकली ये एक स्पैन लेंथ कहलाता है और एक तार पूरा टेंशन लेंथ कहलाता है। ओके, और चूंकि ये जो हमारे पास ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगी हुई है, ये इसकी कैपेसिटी लिमिटेड लेंथ को ही टेंशनिंग करने का काम है या उसको ऑटो टेंशनिंग करने का काम है। तो हमारे पास जो सिस्टम होती है, सिस्टम की लंबाई वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसे होती है, और हमारे पास जो उसको ऑटो टेंशनिंग करने की इक्विपमेंट है वो अप्रॉक्सीमेट 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक ही कर पाता है। तो इसको देखते हुए हमने एक अरेंजमेंट किया जिसको हमने ओवरलैप का नाम दिया। ठीक है, तो बेसिकली ओवरलैप में क्या होता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि एक केबल इधर से आ रही है, ठीक है, और इसको इस पे टर्मिनेट करना है, और एक केबल इधर से आ रही है, उसको यहाँ पे टर्मिनेट करना है। तो ओवरलैप का काम यही होता है कि सपोज इधर से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है रन करते हुए, इसमें पेंटोगैप्स का लगा हुआ है, तो जब इस सेक्शन में घुसेगा तो हमने दो अलग अलग टेंशन लेंथ को आपस में कनेक्ट करने का जो एक सिस्टम निकाला है उसी को हमने ओवरलैप का नाम दिया है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रही है तो इस डायरेक्शन के आने के बाद जब वो इस सेक्शन में एंट्री करेगा तो कुछ दूर तक ये वाली सेक्शन की लाइन और ये वाली सेक्शन की लाइन ओवरलैप करेंगे। अब सपोज देखिए इधर का कॉन्टेक्ट वायर ये है, ओके, और इधर का कॉन्टेक्ट वायर ये है, तो ऐसा होगा कि अगर सपोज पेंटोग्राफ इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन से पेंटोग्राफ आ रही है, तो पेंटोग्राफ यहाँ पे सिर्फ रेड को टच करेगी, फिर बढ़ेगी, फिर यहाँ पे पेंटोग्राफ दोनों को टच करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर रेड ऊपर चला जाएगा कॉन्टैक्ट वायर, तो फिर पेंटोग्राफ ग्रेड को टच करते हुए आगे निकल जाएगी, फिर रेड को यहाँ पे हम लोग काउंटर वेट लगा करके एंकरिंग कर देंगे और अपना ग्रीन के होते हुए पेंटोग्राफ आगे चला जाएगा। तो दो अलग अलग टेंशन लेंथ को जो आपस में कनेक्ट करने का प्रोविज़न किया गया है उसी को हम लोग ओवरलैप बोलते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि ओवरलैप में यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये ओवरलैप का एक अरेंजमेंट है। बेसिकली ओवरलैप में क्या होता है वो समझिए, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास दो है, एक इधर रेड सिस्टम आ रही है, एक इधर ब्लू की आ रही है, मतलब बेसिकली रेड वाली एक टेंशन लेंथ है और ब्लू वाली एक अनदर टेंशन लेंथ है। ओके, तो जब पेंटोग्राफ यहाँ से रन करते आएगा तो यहाँ पे आ करके वो रेड और ब्लू दोनों को टच करेगा, ये ओवरलैपिंग जोन है, और उसके आगे फिर वो रेड को छोड़ करके ब्लू से कनेक्ट करते हुए आगे निकल जाएगा। अब ये रेड को वो छोड़ करके ब्लू को कनेक्ट कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो बेसिकली समझे कि आप ऐसा देख सकते हैं कि पेंटोग्राफ उसी को टच करता है सबसे लोअर पोजिशन पर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लोअर पर ब्लू है और यहाँ पर सबसे लोअर पर दोनों हैं, फिर यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, तो फिर रेड को छोड़कर ब्लू को टच करते हुए निकल जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है कि
ये इतनी प्रोसेस करने की जरूरत क्यों है, हम लोग तार को सीधे लपेट क्यों दे रहे हैं? अगर आपस में उसको ट्विस्ट कर देंगे तो पेंटोग्राफ फंस जाएगा, वो उस पर ग्लाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए ऐसा हमको प्रोविजन करना पड़ता है। और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, हम ऐसा ही कर सकते हैं, ये दोनों को आपस में एक पैरेलल पोजीशन में जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर दोनों को आपस में एक रिजिड पैरेलल पोजीशन में जोड़ देंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर वेरिएशन होने पर जब एक कॉन्टेक्ट वायर में या कैटनरी वायर में लेंथ का वेरिएशन होगा तो दोनों का अलग अलग होने के कारण वो ओएचई का एक जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उसको डैमेज कर देगा। इसीलिए हम इसे पैरेलल पोजीशन में रिजिड में नहीं करते हैं, एक फ्लेक्सिबल में रखते हैं और दोनों को एक खास डिस्टेंस में कराते हैं। अब आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, ये फ़ोटो है टॉप व्यू की। जब आप किसी कॉन्टैक्ट बार को ऊपर से देखिएगा या फिर नीचे देखिएगा तो आपको यही अरेंजमेंट दिखेगा। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन आपके ट्रैक सेंटर को दिखाती है कि जो दो ट्रैक के बीच का जो सेंटर होता है ऊपर, रेलवे ट्रैक का जो सेंटर होता है वहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाती है। तो सपोज करिए अब देखिए इधर से रेड बार रन करते आ रही है, फिर यहाँ आने के बाद वो खम्मा के किनारे चल गया एंकरिंग होने, और यहाँ पे नीचे काउंटर वेट लगा हुआ है जो इसको ऑटो टेंशन कर रहा है। सेम यहाँ पे जो ब्लू वायर आ रही है वो आकर यहाँ पे काउंटर हो गया। ठीक, जो ये सेक्शन है यही हमारा हुआ ओवरलैपिंग सेक्शन, जहाँ पेंटोग्राफ दोनों को टच करती है। जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो हमारा रेड वाला वायर, ये जो ब्लू वायर है, इससे ऊपर हो करके चला गया है, और सेम यहाँ ब्लू वायर ऊपर को चला गया है और रेड को टच कर तो निकल जाएगा। तो ये जो हमने फोटो देखा ये हमारा हुआ टॉप अरेंजमेंट, जो बेसिकली कहे या तो टॉप व्यू है या फिर नीचे से देखें तो हमको इस अरेंजमेंट दिखेंगे। और अगर कहें साइड व्यू देखने के लिए तो हमारा ये कैटनरी वायर आ रही है नीचे वाले कॉन्टैक्ट वायर, सेम उधर का ये केस है दोनों का। और उसको समझे तो ये देखिए आपका यहाँ पे रेड ऊपर उठ गया, सिर्फ ब्लू को टच कर तो निकल जाएगा, या फिर डायरेक्शन अपोजिट हो तो सेम केस इधर होगा। तो बेसिकली हमारा ये ओवरलैप बोलते हैं इसको। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए कि ओवरलैप में क्या, तो ओवरलैप बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो अनइंसुलेटेड, एक इंसुलेटेड। तो आपको नाम से लग रहा है कि अनइंसुलेटेड ओवरलैप का मतलब हुआ वैसा ओवरलैप जिसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो और ना हो उस पर बांटा गया, जिसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो उसको इंसुलेटेड ओवरलैप बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन ना हो उसको अनइंसुलेटेड ओवरलैप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको लग रहा होगा फोटो देखने से कि इंसुलेटेड ओवरलैप और अनइंसुलेटेड ओवरलैप ने कैसे समझाया गया है। पहला तो जो ये दोनों वायर का गैप है इसको हम लोग 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये रेड वायर आ रही है इसमें कहीं कोई इंसुलेटर का काम नहीं लगा है और सीधा यहाँ पे ये ग्राउंड किया, ये एंकरिंग किया गया है, मतलब बेसिकली इसमें कोई आइसोलेशन नहीं है। हाँ, दोनों में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है तो हम एक जम्पर इन द सेंस कॉन्टैक्ट वायर को कनेक्शन कर देते हैं दोनों तार में एक ही वायर से, ताकि करंट फ्लो इसके थ्रू परमानेंटली हो, स्पार्किंग ना हो, तो ये जम्पर बोलते हैं। तो अनइंसुलेटेड ओवरलैप में जम्पर का प्रोविजन किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनइंसुलेटेड ओवरलैप। अब हम लोग बात करें इंसुलेटेड ओवरलैप की, तो इंसुलेटेड ओवरलैप हम लोग देख सकते हैं इंसुलेटेड ओवरलैप, हाँ यहाँ फोटो देखिए, ये आपका जो पिक्चर दिया गया है ये इंसुलेटेड ओवरलैप का दिया गया है। बेसिकली इसमें क्या है आप ध्यान से देखिएगा, तो ये जो वायर इधर से आ रही है ऐसे, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है। ठीक, तो ये एक अलग केबल से चार्ज है
और सेम केस आप देखिएगा तो जो ये केबल आ रही है ये यहाँ पिन सोल्डर लगा हुआ है तो ये अलग से चार्ज है। ठीक, हमने वहाँ क्या प्रोविज़न किया था कि वहाँ पे दोनों को जम्पर से परमानेंटली कनेक्ट कर दिए थे, बट यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या अरेंजमेंट करेंगे कि एक अलग आइसोलेटर लगाएंगे और एक केबल कनेक्शन इससे कर देंगे और आइसोलेटर का दूसरा केबल कनेक्शन इससे कर देंगे। तो जब हमारा आइसोलेटर ओपन रहेगा तो ये ओवरलैप का एक सेक्शन चार्ज रहेगा, दूसरा सेक्शन डेड रहेगा, मतलब इसमें सप्लाई नहीं जाएगा। जब क्लोज रहेगा तो जंपर से होते सॉरी आइसोलेटर से होते हुए सप्लाई आगे को जाएगी, तो ये अनइंसुलेटेड ओवरलैप होता है। बस ये ध्यान रखना है कि अनइंसुलेटेड ओवरलैप में जो दोनों कॉन्टेक्ट वायर के बीच की दूरी होती है वो 500 mm मेंटेन किया जाता है, दोनों के बीच में मिनिमम दूरी 500 mm हमेशा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 25 kV सिस्टम पे सप्लाई चल रही है और 25 kV सिस्टम पे सप्लाई चलने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस चाहिए। अब सपोज करिए कि हमारा ये सेक्शन में कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, ओके। अब उस सेक्शन में मेंटेनेंस का काम करने के लिए हम पूरा सेक्शन को डेट करेंगे सही नहीं है, तो अपना इंटरप्टर का प्रॉपर अरेंजमेंट और साथ में यहाँ का आइसोलेटर ओपन कर देंगे, तो इधर का सेक्शन चार्ज रहेगा इधर और अगला जहाँ इंटरप्टर या फिर आइसोलेटर है वहाँ के बीच में सेक्शन डेड हो जाएगा, हम लोग काम कर सकते हैं। तो बेसिकली इंसुलेटेड ओवरलैप एक एलिमेंट्री सेक्शन को बनाने में भी एक अहम रोल निभाता है कि एलिमेंट्री सेक्शन बनाना हो तो वहाँ पे हम लोग ओवरलैप बना देंगे तो वो टाइम आने पे अपना उस सिस्टम को आइसोलेट करने में मदद करेगा। तो ये इंसुलेटेड ओवरलैप का एग्जांपल हो गया। उसके बाद इसके जो टाइप होते हैं मैंने बता दिया कि इंसुलेटेड ओवरलैप अनइंसुलेटेड ओवरलैप, ओवरलैप के दो टाइप। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं कि ये कितना स्पैन पे बना हुआ इस पे भी डिपेंड करता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये यहाँ पे जो यूज स्पैन यूज हुआ है वो एक स्पैन यहाँ से यहाँ, दूसरा स्पैन यहाँ, तीसरा स्पैन यहाँ। ठीक, तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि ओवरलैप सेक्शन में दो दो कॉन्टेक्ट वायर है, एक पेंटोग्राफ को दो दो कॉन्टेक्ट वायर टच करना पड़ रहा है। तो ये इससे बचने के लिए, चूँकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों के बीच में 200 mm का गैप है तो उसे पेंटोग्राफ टच करके निकल जाएगा, तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 1, 1, 2, 3 स्पैन अनइंसुलेटेड ओवरलैप बनेगा, या फिर अगर इसमें गैप बढ़ा दे इंसुलेटर लगा दे तो 3 स्पैन इंसुलेटेड ओवरलैप बनेगा। लेकिन अगर कहीं कर्व है तो कर्व पे क्या करेंगे, तो कर्व का एक अलग अरेंजमेंट होगा, ठीक है। कर्व में बेसिकली नंबर ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि अब सपोज करिए यहाँ पे पेंटोग्राफ टच कर रहा है, फिर ऐसे घूम रहा, तो पेंटोग्राफ रन करेगा तो कर्व में डर होता है कि अगर स्पैन की लेंथ ज़्यादा रखेंगे तो हमारा कॉन्टेक्ट वायर पेंटोग्राफ के रनिंग जोन से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए उसमें हम लोग स्पैन छोटा करते हैं और कॉन्टेक्ट वायर को एक खास पोजीशन पर ही रखते हैं ताकि वो पेंटोग्राफ के पैन से बाहर ना निकले। और इसीलिए जहाँ पे कर्वेचर होता है वहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट के लिए जो इंसुलेटेड और अनइंसुलेटेड ओवरलैप बनाते हैं वो 4 स्पैन कर देते हैं। आपका देखिए ये 1 स्पैन, 2 स्पैन, 3 स्पैन और 4 स्पैन। तो सेम ओवरलैप दो टाइप के, इंसुलेटेड अनइंसुलेटेड, और दूरी और ये मतलब स्ट्रेट के हिसाब से, अगर स्ट्रेट लाइन है तो 3 स्पैन बनेंगे और कर्वेचर लाइन है तो 4 स्पैन बनेंगे। तो बेसिकली ये हमारा ओवरलैप का मतलब ओवरऑल लीजिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने की कोशिश करिएगा ताकि कुछ साथ क्लियर हो। यहाँ पे ये एंकरिंग कर दिया गया है, ठीक, लेकिन ये जो सेक्शन है यहाँ पे
जो ये कॉन्टेक्ट वायर आ रही है पेंटोग्राफ से इसको टच करेगा, लेकिन जैसे ही इसके आगे जाएगा तो ये कॉन्टेक्ट वायर भी एक ही साथ दोनों रन करेगा। ठीक है, देखिए ये आपका जम्पर हो गया जो दोनों को परमानेंटली कनेक्ट करेगा, और ये गैप आपका 200 mm होगा, जहाँ पे पेंटोग्राफ कुछ दूर आगे जाने के बाद दोनों को टच करेगा। फिर सेम केस अपोजिट इसके लिए हो जाएगा कि ये कॉन्टेक्ट वायर इसके तरह एंकरिंग हो जाएगा और इसका मेन कॉन्टेक्ट वायर रन करते हुए आगे चला जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर है ये नीचे है, तो पेंटोग्राफ इसको टच करेगा, कुछ दूरी जाने के बाद ये नीचे हो जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ भी पेंटोग्राफ अपना पीछे की तरफ वो इसको कैरी करते हुए इसको छोड़ करके आगे निकल जाएगा। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं जहाँ पर डबल कैंटिलीवर सेमी लगा है वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको फील्ड में भी कहीं ट्रैक के किनारे भी ओवरलैप दिखेगा। एक यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ये ऊपर है ये नीचे है, तो सिर्फ इसको पेंटो टच करेगा, लेकिन आगे जाने के बाद दोनों को पेंटो टच करेगा और फिर जो ऊपर है वो नीचे आते हुए आ जाएगा और जो नीचे वो ऊपर होते हुए एंकरिंग हो जाएगा। दोनों को कनेक्ट करने के लिए जंपर लगाते हैं हम लोग, जिसे जी जंपर बोलते हैं।